बॉलीवुड सितारे अपने ग्लैमर और फिल्मों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे भी जो अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं। इन सितारों ने जरूरतमंद बच्चों को न सिर्फ पाला पोसा बल्कि माँ बाप का प्यार भी दिया। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने 90 के दशक में दो बेटियाँ छाया और पूजा को गोद लिया था। उस वक्त रवीना टंडन की उम्र 21 साल थी, इस वजह से उन्होंने कई सालों तक इस बात को छुपा कर रखा था। सुष्मिता सेन ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें उनके एक्टिंग कैरियर से ज़्यादा उनके जरिए किए गए सोशल वर्क और 24 साल की कम उम्र में बच्चे को गोद लेने के लिए बड़े और बोल्ड फैसले के लिए जाना जाता है। वह दो गोद ली हुई बच्चियों की माँ है। अनाथ बच्चियों को नई जिंदगी देने की लिस्ट में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी छोटी बेटी दिशानी को कूड़े के ढेर में पाया था। सनी लियोनी ने 2017 में महाराष्ट्र के लातूर से 21 महीने की बेटी को गोद लिया था। इस बच्ची का नाम उन्होंने निशा कौर वैभर रखा। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी और समीर सोनी साल 2011 में शादी के बंधन में बंधे थे। नीलम हमेशा से एक बच्ची को गोद लेना चाहती थी। शादी के कुछ सालों बाद उन्होंने एक 7 महीने की बच्ची को गोद लिया और उसका नाम आहाना रखा। सुपरस्टार सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा के बारे में तो शायद हर कोई जानता है। उनके पिता सलीम खान ने अर्पिता खान शर्मा को उस वक्त गोद लिया था जब वो उन्हें अनाथ हालात में सड़क पर रोती हुई मिली थी।